रोजेस, शैंपेन, सब कुछ तैयार हो गया। आप क्या? हाँ। हेलो, रॉन्ग नंबर। एमी, मेरी बात तो सुन यार। एमी, सारी तैयारी होगी, आप क्या करो? ढोलक बजा बैठकर। अबे लवण्या का वेट करो और क्या। एमी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार। हाँ यार, होनी भी चाहिए। आखिर एक शादीशुदा औरत को प्रपोज करने जा रहा है, अगर उसके हस्बैंड को पता चल गया तो। एमी यार, लव यू। अरे बस इतना ही कहना है तुझे। लवण्या नाराज तो नहीं होगी ना? बिंदास बोल दे मेरे मिट्टी के शेर, जो होगा देखा जाएगा। अब चल, मैं तुझे बाद में बात करता हूँ। ये सब क्या है? ये रोजेस, यू नो गुलाब। व्हाट डू यू मीन निखिल? देखो लावण्या, तुम्हें गुलाब मिले, मुझे चॉकलेट्स। किसी ने मेरी जेब में रुमाल रख दिया, अब तुम्हारे कमरे में स्ट्रॉबेरीज। लावण्या, ये सब जिसने भी किया है, सच तो ये है कि हम दोनों को अच्छा लगा। हम दोनों को नहीं निखिल, सिर्फ तुम्हें। तुम्हें क्या ये सब एक खेल लगता है निखिल? प्लीज बंद करो ये नाटक यार। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे कमरे में भी वो सब तुम ही ने रखा था। मैंने नहीं लावण्या, बिलीव मी। मैंने तुमसे कभी कुछ इसलिए नहीं कहा निखिल, क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी। और अगर तुम्हें भी याद हो तो तुमने भी मुझसे दोस्ती का ही वादा किया था। नहीं लावण्या, वो सारी चीजें मैंने तुम्हारे कमरे में नहीं रखी थी, वो किसी और का काम था। अच्छा, और ये सब कुछ, ये सब भी शायद किसी और ने ही आके किया होगा, है ना? नहीं, ये सब मैंने किया, ये सोचकर कि मैं तुमसे प्यार करने लगूं। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया है निखिल, ना ही कभी करूंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैंने सिर्फ सानी से प्यार किया है और हमेशा उसी से प्यार करती रहूंगी। सैंडी की जगह तुम कभी नहीं ले सकते, कभी नहीं निकले।